स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वैसे ही बिल्कुल करना है जैसे 25 किए हैं, बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखते हैं, करते हैं हम लोग। फाइंड लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, हमें यही फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स फाइंड करना है, वेयर एफ एक्स हमारे ये दे रखे हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए और यहाँ राइट हैंड लिमिट लिखिए। ठीक है, और आप इसको कीजिए फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, जब जीरो आप निगेटिव लीजिएगा इसका मतलब जीरो से छोटा है, तो आपको यही लेना होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि एफ एक्स हमें फाइंड करना है, तो आप लिखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स क्या दे रखा है, यही है हमारे आएंगे एक्स डिवाइड मोड एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स का एक्स तो लिखेंगे ही लेकिन मोड एक्स है, जब ये स्टूडेंट मोड हटेंगे तो सिर्फ एक्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जब निगेटिव है स्टूडेंट तो निगेटिव का साइन लगेगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस वन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आया है। अब हमें राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जब जीरो पॉजिटिव लेंगे तो हमें यही लेना होगा फंक्शन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव का मतलब एक्स डिवाइड एक्स मोड। ठीक है, फिर आप यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक्स है ये तो एक्स एक्स ही रहेगा, लेकिन ये मोड एक्स है, मोड जब हटेगा तो एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है तो ऑलरेडी प्लस का यहाँ साइन है, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा वन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे स्टूडेंट सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ फॉर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, बस बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ एक्स, वेयर एफ एक्स मोड एक्स माइनस फाइव। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव कह रहा है आपसे, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ हो गया जीरो, यहाँ वन टू थ्री फोर और ये फाइव हो गया स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट फाइव के थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे स्टूडेंट ये प्लस में हो जाएंगे और ये माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन साइन दोनों में प्लस के आएंगे क्योंकि ये प्लस की तरफ ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें भी हमें लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव माइनस ले लेंगे और ये फंक्शन हमारा दे रखा है एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव निगेटिव, यानी फंक्शन क्या होगा मेरा ये दे रखा है मोड एक्स माइनस फाइव। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए मोड एक्स, ठीक है, जब स्टूडेंट मोड एक्स, मोड एक्स का मतलब जब ये स्टूडेंट बाहर आएगा तो क्या बचेगा मोड एक्स, स्टूडेंट जब मोड हटेंगे तो बाहर आएंगे एक्स तो प्लस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस फाइव है स्टूडेंट तो माइनस फाइव। अब एक्स के वैल्यूज हमें क्या रखना है, फाइव नेगेटिव है लेकिन मैंने कहा था ना स्टूडेंट कि ये जीरो से बड़ा ही तो नंबर है, तो फाइव है तो फाइव ही रहेगा। ठीक है, नेगेटिव का साइन है, कोई इसमें ये नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, ये सारे पॉजिटिव की तरफ है स्टूडेंट। ठीक है, तो फाइव माइनस फाइव, अब फाइव फाइव से कट जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट जीरो। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पॉजिटिव लेंगे और फिर फंक्शन ले लेंगे हम, तो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पॉजिटिव, फंक्शन हमारा यही होगा क्या है मोड एक्स माइनस फाइव। अब स्टूडेंट मोड एक्स जब बाहर आएंगे तो एक्स हो जाएंगे सिर्फ माइनस फाइव और ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस में है तो प्लस का ही फाइव रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें तो चेंजिंग होगा नहीं लेकिन इसमें भी चेंजिंग बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव में ऑलरेडी है और वैसे भी मैं आपको यहाँ बता रखा हूँ माइनस फाइव, और फाइव में से फाइव घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो लिखें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ एक्स इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट. हो गया स्टूडेंट आपका आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20. नंबर 28, सपोज एफ एक्स ये दे रखा है स्टूडेंट, एंड इफ लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इजकल टू एफ वन तो वट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. स्टूडेंट इसमें का एक फंक्शन दे रखा है, इसमें वैल्यूज दे रखे हैं जो एक्स का वैल्यू है वन से छोटा है, एक है जो वन के बराबर है और एक है जो वन से क्या है स्टूडेंट बड़ा है. तो इसमें हमें लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इजकल टू एफ वन ये हमें बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, और इसके साथ साथ हमें बताना है स्टूडेंट ए और बी का वैल्यूज भी हमें बताना है. ठीक है, तो हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं. यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो आपसे इसमें कह रहा है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स, इसमें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट होंगे और राइट हैंड लिमिट होंगे. ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और होंगे स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट. ठीक है स्टूडेंट, और फिर क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इजकल टू एफ वन के बराबर है, यानी कि ये इसके जो दोनों फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ वन के बराबर है. किसके बराबर है स्टूडेंट, एफ वन के बराबर है, यही तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में. ठीक है, अब और हमें इसी को शो करना है, तो आप इसको ध्यान दीजिए स्टूडेंट. हम कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे. ठीक है, यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में निगेटिव रखेंगे, यानी कि हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन है तो वन ही रखेंगे लेकिन निगेटिव रखेंगे. ठीक है, आ गया समझ में, इज इक्वल टू का साइन देंगे. ठीक है, तो ये स्टूडेंट जब हम निगेटिव रखेंगे तो हम कौन सा फंक्शन रखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, वन से छोटा, वन निगेटिव का मतलब वन से छोटा, और वन से छोटा कौन सा फंक्शन है, यही तो है मेरा एक्स के जो वैल्यूज है वन से छोटा है तो ये वाले रखेंगे. ठीक है, यानी कि एफ एक्स. ठीक है स्टूडेंट, बाद में लिख देंगे हम, यहां तक समझ में आ गया. अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, ये एफ वन है तो एफ वन ही रहेगा, और ये आर एच एस वो आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट क्या दे रखा है, यानी कि हम वही तो लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव यानी कि ये भी हमारा फंक्शन ही है एक, वन पॉजिटिव का मतलब वन से बड़ा, तो एक्स के वैल्यू है जो वन से बड़ा है तो ये वन लेंगे. ठीक है, तो पहले वाले में स्टूडेंट ये वाले लेंगे, दूसरे वाले में ये लेंगे, और बीच वाले में फोर कह रहा है तो फोर लेंगे. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ. लिमिट एक्स टेंस टू वन निगेटिव यानी कि एफ एक्स, यानी कि क्या होगा स्टूडेंट, ए प्लस बी एक्स इजक्वल टू एफ वन का फोर इजक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव यानी कि एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, बी माइनस ए एक्स. यही तो होगा स्टूडेंट, यही तो होगा बिल्कुल, हमें इसी तरीके से तो लिखना होगा. अब वन निगेटिव का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए, यानी कि वन ही रखेंगे हम, ऐसा नहीं कि निगेटिव का साइन रखेंगे. वन से छोटा का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जीरो से बड़ा है, यानी कि वो प्लस में ही रहेगा. ठीक है, तो ए प्लस बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इजकल टू फोर इजकल टू बी लिखेंगे हम माइनस, ये पॉजिटिव है तो वन ही रहेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, ये क्या है स्टूडेंट जीरो और ये हो गया वन, तो ये बस वन स्टूडेंट है, तो ये थोड़ा कम हम लेंगे, लिमिट में लेंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो स्टूडेंट ये तो हमारे यहाँ से ही पॉजिटिव में है, यहाँ से ही पॉजिटिव है सारे, तो ये लिमिट हम लेफ्ट मान लिए हैं और ये हमें राइट माने हैं, लेकिन साइन तो हमारा जो वन है तो वन ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है, जो वन से कम रहेगा जब नेगेटिव लेते, लेकिन ये तो वन से बड़ा, जीरो से बड़ा है,
ठीक है, जीरो से छोटा होता तो हम लेते माइनस में, लेकिन ये जो जीरो से बड़ा है तो हम माइनस प्लस लिख के हम ऐसे सोल्व करेंगे, लेकिन हमें लिखना तो है प्लस में ही, ठीक है, याद रखिएगा आप माइनस ए। अब आप यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ए प्लस बी इजकल टू क्या आ गया, फोर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर क्या है, बी माइनस ए इजकल टू क्या हो गया, फोर, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड। अब स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, अब आपको पता है तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी इजकल टू फोर और माइनस ए है तो आपको लिखना है माइनस ए प्लस बी है इजकल टू फोर। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस से कट जाएगा तो टू बी इजकल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, फोर और फोर एट, तो बी के वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, फोर हो जाएंगे, और जब बी के वैल्यू फोर हो जाएंगे तो इसको पुटिंग कर दीजिए, किस में पुटिंग कीजिएगा स्टूडेंट बताइए, इसको आपको पुटिंग करना होगा तो किस में पुटिंग कीजिएगा स्टूडेंट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, तो ए प्लस बी इजकल टू फोर, तो बी का वैल्यू फोर रखना है हमें, तो ए का वैल्यू फाइंड करना है तो बी का वैल्यू फोर इजकल टू फोर, यानी कि ए इजकल टू फोर प्लस फोर है इक्वल के बाहर जाएगा माइनस फोर, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ गया जीरो, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ए का वैल्यू आ गया जीरो और बी का वैल्यू आ गया फोर, ठीक है। इस तरीके से ही स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 28 कीजिएगा, जो मैं आपको सबसे अच्छे और बेहतरीन तरीका से बताया हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोला हूँ, खैर ठीक है जल्दी में हूँ, लेकिन आपको इसी तरीके से करना होगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए अगेन और अगेन, डेफिनेटली आपको 100% समझ में आ जाएगा, ओके। अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आगे आपके पास पहुंचे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।